सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे तरीके तोड़ देते हैं, सारी व्यवस्था तोड़ देते हैं। किसी बच्चे का उत्पीड़न हो रहा है तो ऐसे विषय को ध्यान में उठाना चाहिए। ये माँ की व्यवस्था काम है, माँ का काम सिर्फ मां कर सकती है, पिता भी नहीं कर सकते। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज विभाग की ओर से पहली बार रुड़की ब्लॉक के करौंदी ग्राम पंचायत में हुई मॉडल महिला सभा में महिलाओं ने शानदार तरीके से अपनी भागीदारी निभाई। इस मौके पर महिलाओं ने गांव में विकास कार्यों और जरूरी सुविधाओं के लिए अपने प्रस्ताव रखे। सभा में कई विभागों के अधिकारियों ने पहुंचकर योजनाओं की जानकारी भी दी, साथ ही समस्याओं पर तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। इस दौरान महिलाओं को कुछ अच्छे संदेश भी दीवारों पर लिखने को कहे गए। पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम प्रधानों, स्वयं सहायता समूहों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ ब्लॉक स्तर पर विश्लेषण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रथम चरण में प्रदेश भर की 100 ग्राम सभाओं में ये महिला सभा हो रही है। इसके बाद बाकी ग्राम सभाओं में इसका आयोजन होगा। इसके तहत रुड़की में शुक्रवार 26 सितंबर को महिला सभा हुई। इस दौरान महिलाओं ने ग्राम पंचायत की अलग अलग समस्याएं रखी। इस दौरान जैसे ही विद्यालय की चीजों को क्षति पहुंचाने की शिकायत आई तो तुरंत पंचायती राज विभाग के थेमेटिक एक्सपर्ट गुड गवर्नेंस पंकज नाथ त्रिपाठी ने यहां का निरीक्षण किया। हालांकि प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय में गंदगी फैलाने के साथ ही यहां की चीजों को क्षति पहुंचाई जा रही है, टंकी तोड़ देते हैं, सारी व्यवस्था तोड़ देते हैं, दूसरा शौचालय यहां बने हुए है, बच्चे टॉयलेट यहां ना करके घर जा रहे हैं, कुछ बच्चे बाकी सब यही करते हैं, और कुछ बच्चे टॉयलेट में पॉटी कर देते हैं और पानी नहीं डालते हैं, इसलिए सफाई कर्मचारी होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक व्यवस्था होनी चाहिए कि को देखभाल होनी चाहिए ताकि स्कूल में जो नुकसान हो रहा है वो होना नहीं चाहिए, और स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि वो बच्चे रोज के स्कूल में भेजें, और जो हम होमवर्क कराते हैं देखते हैं उनको कराएं और उनको याद भी कराएं, स्कूल में यूनिफॉर्म में आए और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। इस पर विद्यालय में 4 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का निर्णय लिया गया, साथ ही पेनल्टी का भी प्रावधान किए जाने को कहा गया। स्कूल के अंदर बच्चे किसके पढ़ने आते हैं, किसके किसके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ के बच्चे अगर इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो वो अपना भविष्य निर्धारित करते हैं, उन बच्चों का भविष्य यहाँ गढ़ा जाता है, और आप ये चाहते हैं कि विद्यालय में व्यवस्था तो उच्च स्तर की मिले, प्राइवेट स्कूल वाली व्यवस्था मिले, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं क्या वो वहां शौचालय में शौच करके बिना पानी डाले भाग सकते हैं? उनको फाइन लग जाएगा। आपको पता है प्राइवेट स्कूल के शौचालय में अगर कोई बच्चा गंदगी करता है तो उस पर फाइन लग जाता है, क्या इस स्कूल के बच्चों पर फाइन लगाया गया अब तक? उसके बाद भी आप इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हो, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। यहां जो कुछ भी मैंने देखा यहां व्यवस्था सब कुछ करी गई है लेकिन उस व्यवस्था को बचा के नहीं रखा जा पा रहा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी है। बच्चा स्कूल में कितने घंटे रहता है। इसके साथ ही महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक किया गया। दहेज पर प्रतिबंध लगाने, घरेलू हिंसा रोकने, कुपोषण एनीमिया से मुक्ति दिलाने, बालिका उत्पीड़न के प्रति आवाज उठाने को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। विभाग के थेमेटिक एक्सपर्ट गुड गवर्नेंस पंकज नाथ त्रिपाठी ने बताया कि इन सभाओं के द्वारा जो विषय संज्ञान में आएंगे उनको ग्राम पंचायत विकास योजना बनाते समय संबंधित विभागों से तालमेल बनाते हुए ध्यान में रखा जाएगा। वहीं मुख्य सचिव के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी इस महिला सभा में पंचायती राज सहित स्वास्थ्य, ICDS, ग्राम में विकास, शिक्षा विभाग, गन्ना सुपरवाइजर, पब्लिक CDI के कर्मचारी और अधिकारी ही पहुंचे थे, जबकि सभा में 19 विभागों को शामिल होना था।